सहजनवा पुलिस ने कालेसर जीरो पॉइंट पर खलीलाबाद की तरफ टाटा 407 गाड़ी से फोर लेन के रास्ते बिहार जा रही हरियाणा निर्मित शराब को घेराबंदी कर अपनी गिरफ्त में ले लिया। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम बलवंत पुत्र राम स्वरूप निवासी इंदासर थाना रामगढ़ जिला चुरू राजस्थान तथा दूसरे ने अपना नाम अमित पुत्र दयानंद निवासी ग्राम वलीपाली थाना भवानी जिला भिवानी हरियाणा बताया। इन लोगों के वाहन से हरियाणा निर्मित अवैध क्रेजी रोमियो शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस की तफ्तीश में शराब तस्कर आर्मी का कूट रचित दस्तावेज तैयार करते थे और रास्ते में वाहन को चेक करने वाले लोगों को धोखा देकर निकल लेते थे, लेकिन सहजनवा पुलिस की सूझबूझ से इन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ASP रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया। आज दिनांक 12 फरवरी 2019 को सहजनवा के जीरो पॉइंट एरिया में एक टाटा 407 गाड़ी पकड़ी गई थी, जिजिसका नंबर था, नंबर है RJ18GA7629। गाड़ी को रोकने के बाद उनको कागज़ मांगे गए थे, तो कागज़ इन्होंने मिलिट्री कैंटीन के कागज़ दिखाए थे। बहुत बार ऐसा होता है कि मिलिट्री कैंटीन या मिलिट्री से रिलेटेड अगर कोई कागज़ दिखाता है तो पुलिस वाले, जो पुलिस हमारी यंत्रणा है, वो यूजुअली पूछताछ करती नहीं है ज़्यादा, पर SO की सूझबूझ और टीम की सूझबूझ को कि यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस प्रकार से इनसे पूछताछ की और फर्जी कागजात निकले इसमें, और करीबन 195 पेटी दारू इसमें पकड़ी गई थी, जो कि हरियाणा से बिहार लेके जा रहे थे। ये जो दारू पकड़ी गई है, ये क्रेजी रोमियो ब्रांड नामक एक कोई कंपनी है, वो बनाती है इसको, तो इनको इनकी पकड़ी गई थी, नकली शराब है। दो लोगों को इसमें पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया है, बलवंत पुत्र राम स्वरूप जो निवासी है राजस्थान का, और अमित पुत्र दयानंद जो निवासी है हरियाणा का। हरियाणा से माल लेके आ रहे थे, बिहार लेके जाते हैं। कुल मिला के माल करीबन 10.25 लाख रुपए का माल था।